गुड मॉर्निंग माई YouTube फैमिली, वेलकम इन माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड अभी मैं उठ गई हूँ, 7 बज रहे हैं। ईवा के लिए बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज फॉर स्कूल, और ईवा एंड मन्नू अभी सो रहे हैं क्योंकि मन्नू सुबह आए हैं। मन्नू सुबह 5 बजे ड्यूटी से आए तो वो भी सो रहे हैं। ईवा को बस मैं उठाती हूँ एंड उसके बाद आज ईवा जाएगी अपने न्यू स्कूल में फर्स्ट डे। सो बताइएगा आप कि मेरे को और क्या बनाना चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट में, अगर आप लोगों के पास कोई डिश है बच्चों के लिए, क्योंकि ईवा इवन कुछ खाती नहीं है। अगर कोई डिश है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। सो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ईवा का मौसम कुछ इस तरीके का है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ओपन बरामदा है मेरा। सो उठ गई हूँ मैं सुबह, मेरे पपी भी हो चुके हैं छोटे। मैं आपको दिखाती हूँ, आई हैव 3 पपीज। सो मैं आपको दिखाती हूँ, डियाना, दिस इज डियाना, हे डियाना, दिस इज काइली, हे काइली, एंड लास्ट इज माय क्यूटी क्यूटी जॉय। जॉय जॉय, व्हाट हैपेंड? ओले 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 काइली। अच्छा डियाना को गुस्सा आया डियाना को। ओ माय गॉड, स्टैंड करके यार दिखाओ, शो मी, क्या हुआ डियो? पेट्स पसंद है मुझे, तो पसंद है, मेरे पास 3 है। और आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा वाला आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि सभी बहुत प्यारे हैं। ये बहुत शैतान है इसलिए मैंने मान के रखती हूँ। और देखो इन दोनों को आराम से सो रहे हैं। ईवा उठो, स्कूल जाना है बेटा। फ्रेंड्स ईवा और मैं यहाँ पे कर रहे हैं ब्रश। फ्रेंड्स हम निकल गए हैं ईवा को स्कूल छोड़ने के लिए, आज उसका फर्स्ट डे है। ईवा जा रही है अपने फर्स्ट डे। कहाँ जा रहे हो आप? ये ईवा तो बहुत खुश है अपने स्कूल जाने में। चलो चलो निकल गए ईवा को स्कूल छोड़ने के लिए। ये ईवा यहाँ देखो, बाकी कैसे वो रिएक्ट करती है। सो मिलती
मिलते हैं आपसे घर पर। यहाँ पे मन्नू पी रहे हैं चाय और मैं आज चाय नहीं पी रही हूँ, मैं खा रही हूँ वाटरमेलन जो हम कल लेके आए थे। और सच्ची में मतलब ऑफ सीज़न का वाटरमेलन इतना टेस्टी है ना, इतना तो सीज़न वाला भी टेस्टी नहीं था इस बार। खा रहे हैं चाय एंड पकौड़ी जो युवा के लिए बनाई थी मैंने, थोड़ी बच गई थी। मैं यहाँ पे खा रही हूँ अब वाटरमेलन, कपड़े धोने के लिए मैंने डाल दिए फ्रेंड्स। सो फिर फटाफट से वाटरमेलन खा लेती हूँ, दिन के लिए खाना भी प्रिपेयर करना है क्योंकि युवा आ जाएगी सो उसको आते ही भूख लगेगी, तो उससे उसके आने से पहले फटाफट से खाना बना दूँगी। मैंने अभी इंजॉय करती हूँ मैं अपना वाटरमेलन। मन्नू पेट्रोल डलवा के आए स्कूटी में, तो इनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ बताओ। स्कूटी के बैक साइड में ताला लटका हुआ था। फ्रेंड्स अब अभी हम जा रहे हैं युवा को स्कूल से लेने, उसकी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया तो फटाफट से जाते हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो पता नहीं क्या रिएक्ट किया होगा उसने। चल के देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे। एक गाड़ी ये खड़ी है और एक अंदर गली पे खड़ी है, हम अभी जा रहे हैं स्कूटी से। फ्रेंड्स हम निकल गए युवा को स्कूल से लेने के लिए, बहुत ज़्यादा धूप है अभी। युवा का स्कूल बस पास ही है और हम लोग पहुँच गए हैं। देखते हैं आज युवा का पहला दिन उसका रिएक्शन क्या था, आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स पहुँच गए हम युवा के स्कूल। क्या टाइम हो गया और सारे बच्चे देख रहे हैं कि किस किस के मम्मी पापा आए बाहर। बस युवा नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। वो बैठ गए स्कूल में, बाय बोलो अपनी मैम को। सभी युवा को लेके आ गए स्कूल से और अपने देख के कितनी एक्साइटेड थी मम्मी पापा को देख के, और सारे ही बच्चे अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे थे वहाँ पर कि कब उनके पेरेंट्स लेने आएंगे। थके चूर हो जाते हैं इस टाइम पर तो बच्चे। मैं सब खाना बना के आई हूँ, थोड़ा बट से करते जाके खाना खाएंगे और युवा को मिल जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। अरे बोल तो हाय गाइस। तो युवा ने अभी आज किया है यहाँ स्कूल पे कलर्स और युवा को मिला है आपके गुड फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और मिला है आपको गुड वेरी गुड। सो युवा ने बहुत अच्छे से कलर्स किए क्योंकि इसको मैं घर पे भी करवाती थी तो उसने बहुत अच्छे से कलर्स किए, इसलिए इसकी मैम ने इसे गुड दिया है ना, वेरी गुड। स्कूल से युवा आ गई है और अभी खा रही है दाल चावल, इसके पापा खिला रहे हैं एंड हम लोग भी खा रहे हैं दाल चावल। फटाफट से खाते हैं, उसके बाद युवा को 2 घंटे में आराम से सुलाती हूँ, ठीक है? अभी मोबाइल रख देना उसके बाद। ओके ओके, यहाँ देखो, ओके बोलो। सो फ्रेंड्स हम सो के उठ गए, युवा भी सो के उठ गए। गुस्सा क्यों? ओके, युवा को दादी के घर जाना है। सो परसों को मन्नू जा रहे ड्यूटी और युवा को देखो कहाँ बैठी है। युवा पापा को लेट हो रहा है, आ जाओ जल्दी। युवा आ जाओ जल्दी, बाय बोलो पापा को जल्दी, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो जल्दी, बाय बोलो। ओके बोलो, बाय करो, बोला है ना पापा ले जाएंगे बस, ठीक है? सुनो पापा ने आपसे बोला ना पापा ले जाएंगे। मम्मी मेरे दो किताब चल गए बाइक में और मैंने इतने सारे किताब डाल दिए। अरे तो दे देंगे, मैम थोड़ी ना अपने पास रखती है, वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए ना, रो क्यों रहे हो आप? तो
क्या हुआ बताओ? इवा ऐसे बुक, सॉरी बोलो पहले, सॉरी बोलो बुक से। अच्छा ठीक है, अब आपको बुक माफ नहीं करेगी, आप अच्छे से सॉरी बोलो पहले। कैसे बोलते हैं ऐसे? इवा कर रही है यहाँ पे वेरी नाइस, very good, very nice. I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my hand, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it full. That one's just me, times two. क्या बोलोगी? मनु ने देखो मेरे माथे पे कितना बड़ा टीका लगा है, अभी उन्होंने की है पूजा, तो जो धूप का टीका होता है वो लगा दिया मेरे सर पर और अपने और इवा के सर पर। अभी हम लोग आए हैं जस्ट मार्केट, मतलब मैं गई थी मार्केट सब्जियां वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे दिखे टेस्टी से मोमो जो कि वेज है, वो मैं लेके आई हूँ। और मनु भी अभी जस्ट अभी पहुँचे, सो अभी उनको वापस ड्यूटी जाना है, तो फटाफट से मोमो खाते हैं, उसके बाद में काट रही हूँ लौकी, तो बना लेती फटाफट से खाना और उन्हें ड्यूटी जाना है, तो पहले खाना तैयार करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हो गई है रात, मनु चले गए ड्यूटी खाना खा के, एंड इवा ने भी अपना डिनर कर लिया है, दूध भी पी लिया है, वो सोएगी, एंड मैं खा रही हूँ अभी लेट खाना, क्योंकि आज हम लोग साथ नहीं खा पाई क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, उन्हें जल्दी जाना था, सो चले गए। एंड गुड नाइट बोलो इवा, सो गुड नाइट फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, बाय।